गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, चलो मैं आपको अपनी किचन दिखाती हूँ। तो ये देखो, यहाँ ये हमने रैक बनवाया है, यहाँ पे हमने क्रैकरी का सामान रखा है। तो गाइस, ये देखो हमने यहाँ पे चिमनी लगाई है और ये है हमारा गैस जिसमें है 3 चूल्हे। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने डाली है चम्मच और ये है, इस ये भी एक रैक है। तो इसमें हमने डाले हुए बर्तन, देख सकते हैं आप। और इसे बंद करते हैं। तो गाइस, अब किचन में आ ही गए हैं। तो चलो, लड्डू मैंने पिछली रेसिपी में लड्डू बनाए थे, मैंने आपको दिखाए नहीं थे, अभी आ ही गए हैं तो खा ही लेते हैं एक। तो इसमें है वो लड्डू, इसे खोलेंगे हम। तो गाइस, ये तो मुझे खुल नहीं रहा, अब मेरी मम्मा ही खोल के देंगी मुझे। मम्मा मम्मा, मुझे लड्डू का डब्बा खोल के देना, मुझे बहुत भूख लगी है। आ रही हूँ। तो गाइस, ये खुल गया डब्बा। तो आप देख सकते हैं ये है लड्डू, तो मैं थोड़ा छोटा लूंगी। तो गाइस, लगता है कोई आ रहा है। ओह हाय गाइस, कैसे आप सब। तो आप इसे जानते ही होंगे, मेगा शर्मा। तो चलो इससे भी एक लड्डू दे देते हैं। थैंक यू। तो गाइस, चलो मैं आपको दूसरी किचन में ले चलती हूँ, जहाँ हम ज्यादातर वहीं काम करते हैं। तो गाइस, लड्डू तो बहुत टेस्टी है, आप भी बना के खाना और कमेंट में बताना ये कैसा है। तो गाइस, ये आंटी हमारे घर दूध लेने आती हैं। तो अभी मेरी दादी माँ गाय के नीचे दूध लेने गई हैं, तो फिर जब आएंगी तब इनको देंगी। तो गाइस, अभी बन रहा है काढ़ा, तो अभी इसमें हमने अजवाइन वगैरह डाल दी है। तो गाइस, हम सर्दियों में रोज काढ़ा बनाते हैं, तो इसमें हम तुलसी के पत्ते, अजवाइन, काली मिर्च वगैरह सब डाल के बनाते हैं। मेरी दादी माँ पीती हैं, कई बार हम भी पी लेते हैं। तो गाइस, ये सेहत के लिए अच्छा होता है, खांसी जुकाम नहीं होता सर्दियों में। तो गाइस, ये रखे हैं हमने बर्तन, अभी मेरी दादी माँ आएंगी और दूध को छान के सबको देंगी और अपने लिए भी रखेंगी। तो गाइस, मैंने पूरा लड्डू घूम लिया। बहुत टेस्टी है। अब बोल बोल बाहर। तो गाइस, वो आंटी वेट कर रही है ये दादी माँ का, जो वो कब आए और उनको दूध दे। तो चलो गाइस, मैं आपको बताती हूँ मेरी दादी माँ कहाँ दूध ले रहे हैं। तो गाइस, ये है हमारा गाय का शेड, जहाँ मेरी दादी माँ दूध लेती है। चला गया। तो गाइस, वो आ गया है, बाहर चला गया था अभी। कहाँ गया हुआ था पता नहीं, कहाँ गया था। मुझे तो तो वही मेरी दादी माँ भी गाय के दूध ले रही है। ये है दलिया, जो कि है गाय के लिए। तो ये सब गाय खाएगी तो ही तो दूध देगी। तो ये है हमारी बच्ची। तो अभी हमने इनको घास डालना है।
अभी मेरी दादी माँ दूध निकाल चुकी हैं, तो अभी वो जा रहे हैं। तो अभी उधर जा रहे हैं, तो अभी उनको दूध डाल के देंगे। यहाँ पे हमने अभी कपड़ों का तह लगा के रखा है, अभी मैं इसको अपनी अलमीरा में डालूंगी। जगह ही नहीं है, चलो दूसरी अलमीरा में डालते हैं फिर। तो जो गाइस अभी जो थोड़े से कपड़े रहते हैं उनको जल्दी से अलमारी में डालते हैं, फिर हम करेंगे पढ़ाई। तो ये तो मेरी दादी माँ के हैं, इसे हम रखेंगे दादी माँ के रूम में। तो आ जाओ, मेरी दादी माँ का रूम है, मैं चीज़ लेके आई हूँ। और मम्मा के पास करती हूँ और जल्दी से नहीं थी। नहीं होगा ये तो ये हो चुका है बंद, तो भी हम लाइन करेंगे अपनी जल्दी से, वहीं पर चलते हैं। तो गाइस किचन की बिजली ऑन रह गई, तो जल्दी से हम इसे ऑफ कर देते हैं। बिजली को हमें बचा के रखना चाहिए। वहाँ देखो कितनी ब्यूटीफुल लाइट्स हैं, कभी भी नहीं ऑफ कर देंगे। तो आ जाओ अब भी बंद। जब मेरी दादी माँ ने दूध डाल दिया है, तो यहाँ देखो ये पूरी खाली हो चुकी है, तो इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है, इसमें भी दूध है, तो आप देख सकते हैं। इसको इसको छान रहे हैं अब। वो आंटी कब से वेट कर रहे हैं कि दूध कब देंगे, तो अभी देने वाले हैं। तो अब देंगे उसकी, कि उन्होंने वेट किया अब ख़त्म। मेरी बहन आ गई फिर से चीज़ लेके। ये लो आज की वो आ गया मेरा भाई।